हेलो फ्रेंड्स, माय पीसी सपोर्ट चैनल में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करूंगा कि कैसे ब्रॉडबैंड वायरलेस राउटर को सेटअप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये एक डीलिंक का ब्रॉडबैंड वाईफाई राउटर है, इसको इंटरनेट के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इंडिकेशंस दिए हुए हैं। तो ये पावर का इंडिकेशन है और ये वाईफाई का इंडिकेशन है। और यहाँ पर देखिए ये छोटा सा इंडिकेशन है, जब हम इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर ये देखिए 1, 2, 3, 4 ये काउंटिंग दी हुई है। एक्चुअली ये लैंड पोर्ट्स के इंडिकेशंस हैं। और यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए येलो पोर्ट है, इसको वैन पोर्ट बोलते हैं। तो इस पर हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं। तो मैंने एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने एक ब्लैक इथरनेट केबल को टर्मिनेट किया है जिसमें एक RJ45 कनेक्टर लगा हुआ है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन वायर है और इस वायर को हम इस वैन पोर्ट में प्लग करते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए लैंड पोर्ट्स हैं, तो इस पर हम कंप्यूटर या लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं इथरनेट केबल की हेल्प से। तो मेरे पास एक इथरनेट केबल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये RJ45 कनेक्टर है और इसको हम किसी भी पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और जो इसका दूसरा एंड है, कंप्यूटर के लैंड पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए एक छोटा सा रीसेट बटन है, इस बटन को हम यूज़ करते हैं जब हमें राउटर को फैक्ट्री रीसेट करना होता है। एक्चुअली इस बटन को 5 to 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना होता है, देन उसके बाद हम उसको रिलीज़ करते हैं। तो जैसे ही हम रिलीज़ करते हैं तो राउटर ऑटोमेटिकली रीबूट होता है और फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। और उसके अलावा इसके बॉटम पे देखिए एक स्टिकर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये मॉडल नंबर है DIR-600M। और यहाँ पर देखिए इसका डिफ़ॉल्ट IP दिया हुआ है 192.168.0.1। तो इस IP एड्रेस की हेल्प से हम इसके वेब पेज को लॉगिन करेंगे। और यहाँ पर देखिए इसके क्रेडेंशियल दिए हुए हैं, यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड ब्लैंक। और ये इसका मैक एड्रेस है। तो चलिए इस इथरनेट केबल को कंप्यूटर के लैंड पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंप्यूटर का लैंड पोर्ट है और इस लैंड पोर्ट पे हम इस येलो इथरनेट केबल को कनेक्ट करेंगे। तो आप यहां पर देखिए लैन कार्ड में ये लाइट ब्लिंक कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं थर्ड नंबर की लाइट ऑन हो गई है। तो इस इथरनेट केबल को मैंने राउटर के थर्ड लैन पोर्ट पे कनेक्ट किया है। और उसके अलावा यहां पर देखिए ये इंटरनेट की लाइट ऑन हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन का लिंक आ गया है, लेकिन अभी हमें इसको इंटरनेट कनेक्शन के लिए कॉन्फ़िगर करना होगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और इसके वेब पेज को लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका IP एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नो इंटरनेट एक्सेस, तो लोकल एरिया कनेक्शन डिटेल्स। तो यहाँ पर देखिए IP एड्रेस है 192.168.0.2 और डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.0.1, ये राउटर का डिफ़ॉल्ट IP है। तो इस IP एड्रेस की हेल्प से हम इसके वेब पेज को लॉगिन करेंगे। और यहाँ पर देखिए DHCP अनेबल्ड है। एक्चुअली वाईफाई राउटर में बाय डिफ़ॉल्ट DHCP अनेबल होता है, तो कंप्यूटर को ऑटोमेटिक IP मिल जाता है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको कि लैन कार्ड में ये ऑप्शन सेलेक्टेड होना चाहिए, ऑप्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली।
तो यहाँ पर हम आईपी एड्रेस टाइप करते हैं राउटर का, तो ये इसका वेब पेज है, आप ये देख सकते हैं। तो अभी हमारा कंप्यूटर इस राउटर से कनेक्टेड है और अभी इंटरनेट इसमें कन्फिगर्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन टाइप में DHCP ट्रिपल पीओ स्टैटिक, तो हम यहाँ पर ट्रिपल पीओ ही सेटअप करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर ने मुझे एक यूज़र ने पासवर्ड दिया है, तो उस यूज़र ने पासवर्ड को हम यहाँ पर टाइप करेंगे। और यहाँ पर देखिए SSID है, एक्चुअली ये वाईफाई नेटवर्क का नेम होता है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और ये वाईफाई का पासवर्ड है, तो अभी मैं इसको कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा, एक्चुअली मैं एडवांस नेटवर्क सेटिंग प्रेफर करता हूँ सेटिंग करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट DHCP कर देता हूँ और यहाँ पर हम सेव एंड कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इसका लॉगिन पेज आ गया है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन रहेगा और पासवर्ड ब्लैंक रहेगा, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम सेटअप में आएंगे और यहाँ पर इंटरनेट सेटअप, तो यहाँ पर वैन एक्सेस टाइप में हम ट्रिपल पीओ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं यूज़र नेम टाइप कर देता हूँ और पासवर्ड, और सर्विस नेम ऑप्शनल है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। और कनेक्शन टाइप में हम कंटिन्यू सेलेक्ट करेंगे और ये डिफ़ॉल्ट रहेगा और इसको अप्लाई चेंजेस करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर लोकल नेटवर्क में आएंगे और यहाँ पर देखिए ये इसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.1। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट DHCP सर्वर अनेबल्ड है, आप ये देख सकते हैं। और ये आईपी एड्रेस 2 से स्टार्ट होकर 254 तक जाएगा। और यहाँ पर DNS सर्वर 1 में मैं प्रेफर करता हूँ 8.8.8.8 और DNS सर्वर 2 में 4.2.2.2, इसको अप्लाई चेंजेस करते हैं। और उसके बाद हम वायरलेस में जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए अनेबल SSID ब्रॉडकास्ट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहता है। तो यहाँ पर SSID ये हमारा नेटवर्क नेम है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पर चैनल में ऑटो आप रख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ 11 नंबर चैनल। और यहाँ पर सिक्योरिटी ऑप्शंस में हम इस वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम WEP सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑथेंटिकेशन में हम ऑटोमेटिक रखेंगे और यहाँ पर की वन में हम पासवर्ड टाइप करेंगे। तो इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें नंबर्स 0 से लेकर 9 तक, और अगर हमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं तो A से लेकर F तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम स्पेशल करेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स एट द रेट, हैश या डॉलर साइन। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर WPA PSK सेलेक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर स्पेशल करेक्टर, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड टाइप कर देता हूँ इंडिया एट द रेट 123 और इसको अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये वाईफाई राउटर इंटरनेट के लिए कॉन्फ़िगर हो गया है। और यहाँ पर स्टेटस में चेक कर लेते हैं, यहाँ पर डाउन आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस में लिंक अप दिखा रहा है ट्रिपल पीओई, और ये इंटरनेट आईपी इसको मिल गया है और ट्रिपल पीओई कनेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर वायरलेस अनेबल्ड और SSID माई PC सपोर्ट, इनक्रिप्शन WPA और चैनल 11। और यहाँ पर देखिए इंटरनेट एक्सेस ये शो कर रहा है, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। तो आप ये देखिए इंटरनेट वर्क कर रहा है। और इसको हम वाईफाई से भी चेक कर लेते हैं,
तो मैंने इसमें ऑलरेडी एक यूएसबी वाईफाई डोंगल कनेक्ट किया हुआ है, तो मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है। तो अभी मैं लोकल एरिया कनेक्शन को डिसेबल कर देता हूँ और इसको अनेबल कर देते हैं। एक्चुअली मैंने इसका एक वीडियो अपलोड किया था कि कैसे वायरलेस यूएसबी अडेप्टर को इंस्टॉल करते हैं, तो आप ये मेरे चैनल में जाके वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट कनेक्टेड शो कर रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा वाईफाई नेटवर्क नेम है, तो यहाँ पर क्लिक करके हम इसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर पासवर्ड टाइप करते हैं। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हाइड कैरेक्टर्स, तो अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये पासवर्ड हाइड हो जाता है, तो इसको ओके करते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया है और यहाँ पर देखिए इंटरनेट एक्सेस शो कर रहा है और हमारा वाईफाई नेटवर्क नेम भी शो कर रहा है, और यहाँ पर भी देखिए माई पीसी सपोर्ट। और सेम हम यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस भी चेक कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको सेम आईपी एड्रेस इशू हुआ है जो सेम हमारे लैंड कार्ड में इशू हुआ था, 192.168.0.2 और डिफ़ॉल्ट गेटवे 0.1, डीएससीपी अनेबल्ड है। और उसके अलावा इस वाईफाई राउटर को रिपीटर मोड में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो इसका भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कैसे हम डी लिंक वाईफाई राउटर को रिपीटर मोड में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो आप ये मेरे चैनल में जाके वॉच कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू।